गोला रोड में रेडी टू मूव फ्लैट बिक्री के लिए 3BHK 2BHK आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आर्य भूषण और आज हम लोग जो विज़िट करने जा रहे हैं वो 3BHK और 2BHK का फ्लैट है, जो कि फ्लैट का डायमेंशन है 1400 स्क्वायर फीट, 1290 स्क्वायर फीट, 1055 स्क्वायर फीट, 1063 स्क्वायर फीट का। अभी जो है हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं। जो अभी हम लोग फ्लैट देखेंगे ये फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है और ये पार्किंग में हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी बड़ा पार्किंग है, अप्रॉक्स इसमें करीब करीब 60 से 70 फ्लैट है टोटल। और ये प्रॉपर्टी जो है रेडी टू मूव है, अभी आप लेंगे और नेक्स्ट मंथ में आप शिफ्ट कर सकते हैं। दो लिफ्ट दो सीढ़ी के साथ ये है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब करीब 1.5 बीघे का ये प्रोजेक्ट है और इसमें अभी फर्स्ट फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे अवेलेबल है। ये देखिए काफ़ी बड़ा पार्किंग है और ये लिफ्ट और उसी के बगल में सीढ़ी। एक पहले आगे भी हम लोग लिफ्ट देखे थे, इन कर रहे थे। तो आइए ऊपर चलते हैं। स्टेयर काफ़ी स्मूथ है, ये देखिए ओल्ड एज के भी लोग रहेंगे तो इस पे चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेयर होता है कि काफ़ी हाइट होता है, काफ़ी हाइट नहीं है। और चूंकि हम लोग जो फ्लैट देखने जा रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे ही देखने जा रहे हैं। ये कॉरिडोर हो गया, ये देखिए सामने में हम लोग जो है दो सामने जो गेट दिख रहा है वही देखेंगे फ्लैट। और ये देखिए काफ़ी लंबा सा ये ब्लॉक है। और चलिए आगे देखते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला है जो 2BHK का फ्लैट है, बस सीढ़ी से थोड़ी सी दूरी पे। जो भी हम लोग फ्लैट देखेंगे लाइटेड और हवादार है। ये कॉरिडोर हो गया, दूसरा लिफ्ट हम लोग देख रहे हैं आगे चल के। ये देखिए काफ़ी लाइट है यहाँ पे। और ये जो है गोला रोड में स्थित है, ये दूसरा सीढ़ी हो गया और इसी के बगल में लिफ्ट है। सामने में हम लोग फ्लैट देखेंगे, हम लोग फ्लैट के पास आ चुके हैं। ये 3BHK का फ्लैट हम लोग देख रहे हैं, ये 1407 स्क्वायर फीट का है और काफ़ी बड़ा फ्लैट है। ये हॉल हो गया, हॉल से एक बालकनी है और ये डाइनिंग स्पेस से सटे हुए किचन। इसमें तीन बालकनी और दो लैट्रिन बाथरूम, टॉयलेट और बाथरूम है। लंबा सा ये बालकनी। ये किचन सामने जो दिख रहा है और यहाँ से देखिए एल टाइप का ये सेफ है, हॉल का जो है एल टाइप का सेफ है। और ये एक बेडरूम हो गया और उसी से सटे हुए हॉल से एक टॉयलेट बाथरूम दोनों अटैच, क्रीमी टाइप का इसमें टाइल्स लगा हुआ है। और ये इंडियन स्टाइल का बाथरूम है, हॉल से जो कनेक्टेड है वो इंडियन स्टाइल का है। बाथरूम का साइज 8x6 का है और ये बेडरूम हो गया। बेडरूम भी हवादार और लाइटेड है। ये देखिए एक छोटा सा स्पेस हवा आने के लिए इसमें दिया हुआ है, खिड़की लगा हुआ है। और इसके अपोजिट में जो है दो बेडरूम और है और दोनों से बालकनी अटैच है
और एक में वेस्टर्न लैट्रिन बाथरूम है जो मास्टर बेडरूम है उसमें। ये देखिए ये मास्टर बेडरूम है। आइए पहले मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये वेस्टर्न लैट्रिन बाथरूम इसमें फिट होगा। वेस्टर्न स्टाइल का रहेगा, सीट जो है वेस्टर्न स्टाइल का रहेगा। और एक ये छोटा सा बालकनी, पीछे काफ़ी स्पेस दिया गया है, करीब करीब 15 फीट से ज़्यादा छोड़ा हुआ है, तो हवा लाइट का यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगा। और ये देखिए वाइट कलर का और क्रीमी टाइल्स लगा हुआ है। और ये रेडी टू मूव है, पोजीशन जो लोग लेना चाहते हैं रजिस्ट्री के बाद तुरंत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग लास्ट बेडरूम देखते हैं इस फ्लैट का। रेगुलर हम लोग 3 फ्लैट देखेंगे। ये लास्ट बेडरूम हो गया, तीसरा बेडरूम, और इससे भी बालकनी अटैच है। ये देखिए इसका लंबा सा बालकनी, और ये बाहर का व्यू। काफ़ी स्पेस है पीछे छोड़ा हुआ, तो लाइट का एक्चुअली ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। कॉर्नर का प्रॉपर्टी कहने का मतलब दोनों तरफ से खुला हुआ है। इन करेंगे तो ये आप इन जो हम लोग कर रहे हैं ये ईस्ट की ओर है। ये फ्लैट जो है ईस्ट फेसिंग का है। दूसरा फ्लैट जो हम लोग देखने जा रहे हैं 1290 स्क्वायर फीट का, ये 1290 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और ये भी कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। ये बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, सेम ही कलर का टाइल्स और सेम ही कलर का ये अभी बाल पुट्टी करके आपको ये जो है दिख रहा है। बाकी कलर आपके चूजिंग के हिसाब से वो करवा दिया जाएगा। और ये देखिए सामने किचन हो गया, और हॉल से ये एक बड़ा सा बालकनी, और ये बाहर का व्यू अभी ओपन है। और सामने में भी अपार्टमेंट वगैरह देखिए बन रहा है। आसपास में यहाँ से मार्केट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, स्कूल वगैरह 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फुली रेसिडेंशियल एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दानापुर रेलवे स्टेशन आपको लमसम 15 मिनट की दूरी पड़ेगी। किचन ये हो गया, और ये एक बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है आई थिंक। हाँ मास्टर बेडरूम है। ये देखिए इसमें वेस्टर्न स्टाइल का सीट लगेगा। इसका जो टाइल्स का जो बाथरूम का ये है अलग है, उसमें दूसरे टाइप का था जो फर्स्ट हम लोग जो फ्लैट विजिट किए। और ये एक बालकनी छोटा सा, ये जो फ्लैट हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे हैं। तीसरा बेडरूम भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग 2 BHK का फ्लैट देखेंगे, और इससे भी बालकनी अटैच है। 2 बेडरूम से अटैच है, एक हॉल से अटैच है बालकनी, और 2 लैट्रिन बाथरूम, एक किचन है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है फ्लैट। अभी जो हम लोग फ्लैट देख रहे हैं सेमी डायमेंशन का, ऊपर में भी फ्लैट आपको मिल जाएगा सेम ही डायमेंशन। जिस प्रकार से ऊपर है
नीचे है, इसी प्रकार का ऊपर भी है। और हम लोग आगे देखेंगे 2 BHK का फ्लैट। ये देखिए 2 BHK, यहाँ से सीढ़ी से बस सटे हुए ही है 2 BHK, और ये भी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ, ज़मीन खरीद बिक्री से रिलेटेड और फ्लैट खरीद बिक्री से रिलेटेड। ये अप्रॉक्स 1055 स्क्वायर फीट का होगा। और एक और फ्लैट है 2 BHK का, वो है 1063। डायमेंशन थोड़ा सा का फ़र्क था तो इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है, और आप लोग इंटरेस्टेड रहिएगा तो आके देखिएगा ही, तो ज़्यादा बेटर है कि अपने आँखों से देखें। ये देखिए सेकंड बेडरूम, अभी इसमें काम चल रहा है। एक्चुअली बिल्डिंग जो हैंड ओवर है वो नेक्स्ट मंथ में आप लोग को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस पड़ेगा पर स्क्वायर फीट 4800 रुपये पर स्क्वायर फीट है, और लिफ्ट जनरेटर पार्किंग का 3.5 लाख रुपया लगेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।